प्रश्न 25। किसी चतुर्भुजाकार आंगन का एक विकर्ण 4 मीटर लंबा है तथा सम्मुख शीर्षों से इस पर लंब 2.5 मीटर और 1.5 मीटर है। इस आंगन में 150 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से पत्थर बिछाने का खर्च ज्ञात करें। प्रश्न 25 में हम लिखेंगे यहाँ डी बराबर कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। 4 मीटर कॉमा देंगे, एच वन बराबर दिया हुआ है 2.5 मीटर, फिर कॉमा देंगे, एच टू बराबर दिया हुआ है 1.5 मीटर, तो डी क्या है, चतुर्भुज का विकर्ण को डी से लिखते हैं, ठीक है। चतुर्भुज का विकर्ण को डी से लिखते हैं और उस विकर्ण पे सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब को एच वन और एच टू से लिखते हैं, ठीक है। तो चतुर्भुजाकार आंगन का एक विकर्ण 4 मीटर लंबा है, यानी डी बराबर 4 मीटर लिखेंगे, क्योंकि चतुर्भुजाकार आंगन है यानी चतुर्भुज के जैसा है, तो चतुर्भुज का विकर्ण को डी से लिखते हैं और उस विकर्ण पे सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब को एच वन और एच टू से लिखते हैं। तो सम्मुख शीर्षों से इस पर डाला गया लंब है 2.5 मीटर और 1.5 मीटर, जिसको कि एच वन और एच टू से हम लिख लेंगे इस तरह से। तो अब लिखेंगे चतुर्भुजाकार आंगन चतुर्भुजाकार आंगन का क्षेत्रफल चतुर्भुजाकार आंगन का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद ही जो पत्थर बिछाने का जो खर्च आया है वह निकल पाएगा। तो पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे चतुर्भुजाकार आंगन का। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 × d × h1 + h2। चतुर्भुजाकार आंगन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 × d × h1 + h2। तो जब विकर्ण की लंबाई दिया हो और उस विकर्ण पे सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब की लंबाई दिया हो, तो हम ये सूत्र लगाएंगे 1/2 × d × h1 + h2। तो d क्या है, विकर्ण की लंबाई है, एच वन और एच टू सम्मुख शीर्ष से उस विकर्ण पे डाला गया लंब है, ठीक है। तो इस तरह लिख लेंगे, तो हो जाएगा 1/2 × d। d कितना है, 4 मीटर, यानी विकर्ण की लंबाई है 4 मीटर। d कितना है, 4 मीटर, एच वन है 2.5 मीटर, एच वन कितना है 2.5, एच टू कितना है 1.5, तो इस तरह हम सबको बैठा लेंगे। डी के जगह पे 4 लिख लेंगे, एच वन के जगह पे 2.5 और एच टू के जगह पे 1.5। अब यहाँ पे गुना में है सब, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 × 2 = 4, तो आ गया 2 × अब इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि कोष्टक में है, 5 5 10, हाथ में रहा 1 2 1 3 1 4। देखिए 5 5 10, हाथ में रहा 1 2 1 3 1 4, यानी 4.0 होगा। तो 0 दाई ओर, दशमलव के बाद लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कितना आ गया, 4 × 8 वर्ग मीटर।
चतुर्भुजाकार आंगन का क्षेत्रफल कितना आ गया? 8 वर्ग मीटर। अब कह रहा है इस आंगन में 150 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से पत्थर बिछाने का खर्च ज्ञात करें। तो लिखेंगे आंगन में आंगन में पत्थर बिछाने का कुल खर्च आंगन में पत्थर बिछाने का कुल खर्च बराबर हो जाएगा, कैसे दिया हुआ है? 150 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यानी अगर 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है तो 150 रुपया लगेगा, लेकिन यहाँ तो 8 वर्ग मीटर है क्षेत्रफल, तो 150 गुना 8, तो आंगन में पत्थर बिछाने का कुल खर्च बराबर हो जाएगा 150 गुना 8। 8 कहाँ से आया? तो 8 आ गया आंगन का क्षेत्रफल 8 वर्ग मीटर, और 150 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से पत्थर बिछाने का खर्च है। तो चतुर्भुजाकार आंगन का क्षेत्रफल आ गया 8 वर्ग मीटर, तो 150 गुना 8 कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा? तो इसको गुना कर देंगे तो 15 अठी कितना होता है? 8 बजे 40, हाथ में रहा 4, 8 चार 12, यानी 15 अठी 120, और यहाँ पे एक शून्य है तो 1200 हो जाएगा, यानी 1200 रुपया। तो आंगन में पत्थर बिछाने का कुल खर्च कितना हो जाएगा? 1200 रुपया। तो 150 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से पत्थर बिछाने का खर्च ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल कितना है? 8 वर्ग मीटर, यानी 150 गुना 8 कर देंगे, क्योंकि 1 वर्ग मीटर में 150 रुपया लग रहा है, तो 8 वर्ग मीटर में कितना लगेगा? 150 गुना 8 यानी 1200 रुपया। तो इसका उत्तर आ चुका है। तो इस तरह से प्रश्न 25 को हल करेंगे। प्रश्न 26। एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 26 में जो चित्र दिया हुआ है उसको पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो चित्र इस तरह से दिया हुआ है, देखिए। चित्र जो है इस तरह से दिया हुआ है, ये है 24 मीटर, विकर्ण कितना है? 24 मीटर। देखिए ये विकर्ण है, ये जो दोनों शीर्ष पे जो जाकर के मिल रहा है ये विकर्ण है, ये है 24 मीटर। और
सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पे डाला गया लंब है, एक है 8 मीटर, देखिए ये है 8 मीटर और ये जो है 13 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये खेत जो है चतुर्भुज आकार का खेत है, तो हम इसमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ डी बराबर, यानी विकर्ण का लंबाई कितना है 24 मीटर, विकर्ण को चतुर्भुज के विकर्ण को डी से लिखते हैं, तो डी बराबर कितना दिया हुआ है 24 मीटर कॉमा एच वन बराबर सम्मुख शीर्षों से डाला गया लंब है 8 मीटर और 13 मीटर। तो सम्मुख शीर्षों से डाला गया लंब को हम एच वन और एच टू से लिखते हैं, तो एच वन बराबर 8 मीटर है और एच टू बराबर है 13 मीटर, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तीन चीज़ दिया हुआ है, यही तीनों का प्रयोग करके हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अतः चतुर्भुज चतुर्भुज आकार के खेत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना डी गुना एच वन प्लस एच टू। तो चतुर्भुज आकार के खेत का क्षेत्रफल बराबर, यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना डी गुना एच वन प्लस एच टू। तो डी क्या है, चतुर्भुज का विकर्ण है, एच वन और एच टू है सम्मुख शीर्षों से उस विकर्ण पे डाला गया लंब। ठीक है, जब विकर्ण और सम्मुख शीर्षों से डाला गया लंब दिया हो तो हम ये सूत्र का प्रयोग करेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो अब हम लिख देंगे 1/2 गुना डी, डी कितना है, डी है 24 मीटर, यानी विकर्ण है 24 मीटर, तो यहाँ पे 24 लिखेंगे, गुना एच वन कितना है, एच वन है 8 मीटर और एच टू है 13 मीटर, इस तरह लिख लेंगे। देखिए गुना में है सब, तो यहाँ से इसको काट लेंगे, 12 दुना 24, तो कितना आ गया, 12 गुना 13 और 8 को जोड़ देंगे तो 13 8 21। अब इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12 गुना 1 12, हाथ में रहा 1, 12 दुना 24 1 25, यानी 252 वर्ग मीटर, सब मीटर में दिया हुआ था, विकर्ण और सम्मुख शीर्षों से डाला गया लंब ये सब मीटर में था, इसलिए क्षेत्रफल होगा वर्ग मीटर में। तो इस तरह से प्रश्न 26 को हल करेंगे।